हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको जूस शॉप बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको बहुत टाइप्स के जूस बताएंगे और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आप इस बिज़नेस को कैसे सेटअप कर सकते हो। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। जैसे कुछ भी होता है, लोग अगर बीमार हो जाते हैं या नॉर्मली फिट रहने के लिए सबसे पहले जो बेसिक चीज़ होती है वो लोग क्या करते हैं, जूस बाहर से लेकर आते हैं, वो भी फ्रेश जूस, ना कि पैकिंग वाला जूस। तो हो सकता है पैकिंग वाला जूस एक बार के लिए बंद हो या नहीं चले, लेकिन जो फ्रेश जूस है उसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इस वीडियो में हम आपको इन डिटेल बताएंगे कि कितने का इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कौन सी मशीन्स आपको यूज़ करनी है, कितना प्रॉफिट आपको होगा, कौन से लाइसेंस आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस को रन करने के लिए। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको बताते हैं बिज़नेस रिसर्च। तो यहाँ पर आपको रिसर्च क्या करनी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टाइप्स के जूस मार्केट में अवेलेबल है। भले ही अगर आप नॉर्मल नहीं तो फ्रेश, मतलब अगर आप फ्रेश जूस भी लेते हो, फ्रेश जूस का है ये बिज़नेस, तो बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। आप सब नहीं बना पाओगे, ये एक रियलिटी है। अगर आपका बहुत बड़ा अगर आप बिज़नेस ओपन करना चाहते हो उसमें आप सब बनाओ दो नंबर की बात है, लेकिन सबसे पहली बात अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप इतना बड़ा नहीं, छोटे लेवल पे स्टार्ट करोगे, जहाँ पे आप सारे फ्रूट्स या कुछ वेजिटेबल्स वो सब नहीं लोगे आप। तो किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, नॉर्मली लोग मौसम्बी का जूस या फिर ऑरेंज, पाइनएप्पल, ऐसे टाइप के जूस लेते हैं, या फिर शुगर केन जूस ले लो आप। तो ये टाइप के जूस एक बेसिक जूस है जो सब लोग पीते हैं। तो उसके बाद आप देखिए कि अगर आप इसकी डिमांड है तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट, मतलब ये वाले जूस स्टार्ट करें, या फिर इनकी अगर डिमांड नहीं है, कोई और फ्रूट्स के उनके जूस की डिमांड है तो आप वो स्टार्ट करो। और जैसे जैसे अगर डिमांड चेंज होता है तो उस हिसाब से आप भी अपने बिज़नेस में जो चेंजेस है उनको फॉलो करो। कितनी प्राइस रखनी, क्या क्वांटिटी रखनी, क्या क्वालिटी रखनी, ये सारी चीज़ें पहले रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के जूस है। हमने यहाँ पर बहुत कम जूस बताया है, जैसे कि बीट, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, कैरेट, क्रैनबेरी, पोमोग्रेनेट। तो ये सारे जूस हमने यहाँ पर बताया है जो नॉर्मली लोग प्रिफर करते हैं। उसके बाद पाइनएप्पल हो गया, उसके बाद कोकोनट पंच हो गया, उसके बाद जो सारे फ्रूट्स का एक मिक्सचर करके जो जूस बनता है वो भी एक अलग जूस आता है। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जूस मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप इसके साथ शुगर केन का बिज़नेस भी स्टार्ट करते, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते, शुगर केन का बिज़नेस अलग ही करते, उसके साथ में कोई दूसरा जूस रखते ही नहीं है। अगर आप वो भी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। रॉ मटेरियल, यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल, आइस और ड्राई फ्रूट, और साथ में एक मसाला भी होता है जो जूस, कुछ कुछ जूस के ऊपर डाला जाता है, जैसे कि शुगर केन जूस के ऊपर एक सॉल्ट वाला मसाला भी होता है जो लोग प्रेफर करते हैं, तो वो भी आप रॉ मटेरियल में डाल सकते हो। अब यहाँ पर मशीनरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर दो या तीन टाइप की मशीन्स मार्केट में अवेलेबल है। अब आप कौन सा जूस बनाने वालों, सपोज़ आप शुगर केन का जूस बनाते हो तो उसके लिए मशीन अलग आती है, अगर आप कुछ दूसरे फ्रूट का जूस बनाने वाले हो तो उसके लिए मशीन अलग आती है। तो कुछ कुछ फ्रूट्स के लिए एक मशीन फिक्स होती है कि वही यूज़ की जाती है, जैसे कि कमर्शियल जूस मशीन, डोमेस्टिक हैंड ऑपरेटेड मशीन, और ऐसी, मतलब अगर आप जो जूस बना रहे हो तो अगर आप लेने जाओगे तो पहले आप उसको पूछो कि इस मशीन पे कौन से जूस हम बना सकते हैं, वो खुद आपको सामने से पहले बता देगा। उसके बाद आपको कुछ बेसिक टूल्स चाहिए होंगे, जैसे कि नाइफ, चॉपिंग बोर्ड, फ्रूट्स कटर, ग्लासेस, बाउल, स्पून एक्सेट्रा। तो ये कुछ यूटेंसिल्स आपको चाहिए होंगे इस बिज़नेस के लिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर आपको 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगेगा सिर्फ
इतने से इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो, और अगर आप सेट हो जाते हो तो बहुत ही बढ़िया आपका बिजनेस चल सकता है। आपको यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। अब आपको पता ही है कि हर कुछ दूरी पे आपको एक जूस वाला मिल जाएगा, तो आप ऐसे कौन से नए जूस लेके आओगे, आप कुछ ऐसा क्या नया करोगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोगों को आप पे ट्रस्ट बने। तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया भी यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जूस वहाँ पर डालने पड़ेंगे, पब्लिसिटी करना पड़ेगा, तो आपका जो बिजनेस है अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को यूज़ करना भी ज़रूरी है। उसके बाद एरिया, यहाँ पर आपको 200 से 500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा, और जैसे आपका जिस हिसाब से बिजनेस है, मतलब अगर आप और बड़ा खोलते हो या और बड़ा ओपन करते हो, तो आपको उससे उस हिसाब से आपको ज़्यादा एरिया चाहिए होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मैन पावर, अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ आप कुछ चीज़ों के साथ स्टार्ट करो तो एक इंसान भी काफ़ी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा ओपन कर रहे हो जहाँ पर आपको 2 से 3 आदमी या 2 से 3 लोग आपको इस बिजनेस के अंदर चाहिए होंगे। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, तो यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस, MSME, उद्योग आधार, GST, FSSAI रजिस्ट्रेशन, तो ये लाइसेंस आपको इशू करने पड़ेंगे इस बिजनेस के लिए। अब बात करते हैं एटलास्ट प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आप हर मंथ इसके ऊपर 30 से 40 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हो, बाकी टोटली आपके प्रोडक्शन और आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है कि आप कौन सा जूस आप बना रहे हो और कितने का वो कॉस्टिंग आता है, कितने पे आप सेल कर रहे हो, तो बाकी टोटली उसके ऊपर डिपेंड है। बाकी इस बिजनेस में आपको अप्रॉक्सीमेट 30 से 40 हज़ार तक का मुनाफा हो सकता है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है, जूस वालों को इससे भी ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा है, जिन लोगों का चल रहा है। तो ये था फ्रेश जूस और जूस शॉप बिजनेस, और ऐसे और भी बिजनेस हम लेकर आएंगे आपके लिए। उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग अवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।